नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को जरूर दबा लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को 13 जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। दोस्तों, आज भी हम जड़ी बूटियों ही के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम चलते हैं नागर मोथा। नागर मोथा आपने देखा होगा जंगलों में, इसके मुश्ता आदि अनेक नाम हैं। यह ठंडा, संग्राही, तीखा, दीपन और पाचन है, ज्वर आदि रोगों को दूर करता है। ये थे नागर मोथा के लक्षण। अब चलते हैं हल्दी। इसके हद्रा आदि कई नाम हैं। यह उष्ण और पित्त, प्रमेह आदि रोगों को दूर करती है और रंग को सुंदर बनाती है। ये थे हल्दी के लक्षण। अब चलते हैं भंगरा। इसके हम भगराज आदिक नाम हैं। यह कफ, बात, कुष्ठ, नेत्र रोग, शीश रोग आदि अनेक रोगों को दूर करता है और उष्ण है। ये थे भंगरा के लक्षण। अब चलते हैं पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा आपने जंगलों में भी देखा होगा, ऐसा नहीं है हर जंगलों में फिलहाल होता है। इसके हम परपट आदि अनेक नाम हैं। यह पित्त, रुधिर कोप, शीश भ्रमण, सिर घूमना, प्यास, कफ, ज्वर और दाह को दूर करता है और बादी को उत्पन्न करता है तथा ठंडा है। ये थे पित्त पापड़ा के लक्षण। अब चलते हैं अतिश। इसको हम अति विष आदि अनेक नाम हैं। यह उष्ण और पाचन तथा कफ, पित्त, अतिसार को जीतता है। ये थे अतिश के लक्षण। अब चलते हैं लोध। इसके लोध आदि अनेक नाम हैं। यह ठंडा और रेचक दस्तावर है, ज्वर, अतिसार और रुधिर को दूर करता है। ये थे लोध के लक्षण। अब चलते हैं मूसली। इसके खालनी आदि अनेक नाम हैं। यह मीठी, भारी, उष्णीय, विरासनीय और पुष्टिकारी है, गुर्दा और वायु के रोगों को दूर करती है। ये थे मूसली के लक्षण। अब चलते हैं केवांच के बीज। इसके कपी, कछु आदि अनेक नाम हैं। यह बहुत पुष्ट, मीठा, बलवानदायक, भारी और बाजी करण है। ये थे केवांच के बीज के बारे में लक्षण। अब चलते हैं भिलावा। इसके भिल्ला तक आदि अनेक नाम हैं। यह कसैला और उष्ण है, बी उत्पन्न करता है, वायु, कफ, उदर रोग, आधमान, कुष्ठ, मूल व्याध, संग्रहणी, गुल्म ज्वर, कृमि और मंदागी को दूर करता है। ये थे भिलावा के लक्षण। अब चलते हैं ब्राह्मी। इसके सरस्वती आदि बहुत नाम हैं। यह ठंडी, रेचक, दस्त लाने वाली और मीठी है, बुद्धि और स्मृति को बढ़ाती है, ज्वर और पांडु रोग तथा कुष्ठ आदि रोगों को दूर करती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें।